हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी भोपाल के बोट क्लब पर एमपी टूरिज्म विभाग ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देशभक्ति में डूबे हुए नजर आए। तिरंगा अभियान में भोपाल के बड़े तालाब का नजारा मनमोहक ही नहीं बल्कि रोमांचित कर देने वाला भी रहा। जब एमपी टूरिज्म ने तिरंगा यात्रा निकाली, इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बोट क्लब पहुंचे और उन्होंने यहां तिरंगा लहराया, साथ ही देशभक्ति का गीत भी गाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नावों पर तिरंगा लहराकर इस यात्रा की शुरुआत हुई है। अब यह सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। कोशिश रहेगी कि बड़े तालाब में एक बड़ा और ऊंचा तिरंगा लगाया जाए। हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें हर घर पर तिरंगा फहराया जाए और हम राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत हों और हम अपने गौरवशाली अतीत को जानें, इन सब बातों को लेकर घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आह्वान है और इस बात को लेकर पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का एक अलग माहौल है। ऐसे में भोपाल में बोट क्लब में आज ये तैरती नावों पर तिरंगा थिरकता हुआ जो नज़र आ रहा है, परमात्मा करे किसी की नज़र नहीं लगे। हम सबका सौभाग्य, आज़ादी की इस जंग में पूरे देश ने एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष हासिल किया और उसका परिणाम जो आया वो सुफल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को, मेरे साथ यशस्वी खजुराहो सांसद माननीय विश्वधर शर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज ये तिरंगा यात्रा एक तरह से नावों के ऊपर तिरंगे की जो एक बोट क्लब में कार्यक्रम किया है, उत्साह उमंग और जोश से जो शराब और पूरा माहौल, मेरी अपनी ओर से सबको 15 अगस्त की बधाई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।